Good day to all students. Today we are discussing 25 MCQ for the NEET examination. Today's topic is chordates, Eurochordata, Cephalochordata and Vertebrata. This is chapter 4 and part 6. Part 5 video session we already discussed of this chapter. So let's start the first question. The first question, which one of the following option give the correct categorization of six animal according to type of nitrogenous waste? According to the nitrogenous waste, okay. First is amphibia, frog, aquatic amphibia, ammonotelic, okay. Ureotelic is frog and human, and uricotelic is pigeon, lizard and cockroach. Option B, aquatic amphibia, it's okay. Cockroach and human, cockroach uricotelic hota hai, toh ye toh option wrong ho gaya. B is wrong. Now the third one mein aap dekhenge, ammonotelic ke andar pigeon aur human de rakha hai. तो ह्यूमन कब अमोनोटेलिक होने लगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. और डी ऑप्शन के अंदर फ्रॉग और लिजार्ड रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक्स के अंदर आता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ आपका, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेज द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद करेक्टराइजेशन एंड द फाइलम क्लास टू विच बिलोंग्स. ओके, लिविलस, लिविलस को किंग क्रैब कहते हैं, ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पीसीज लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये पीसीज लिखा हुआ है, आर्थ्रोपोड नहीं लिखा हुआ है. एडेंसिया सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है और यहाँ पे पोरीफेरा लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये वाला बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. पेट्रोमाइजोन एक्टोपेरासाइट है और साइक्लोस्टोमेट है, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि पेट्रोमाइजोन एक्टोपेरासाइट होते हैं और साइक्लोस्टोमेट्स भी कहते हैं इनको. इक्टियोफिश जो है वो फिश क्या कहते हैं इसको, एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये भी रेप्टाइल्स लिखा हुआ है, ये इसलिए रॉन्ग है. तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अ मेराइन कार्टिलेजियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फिश किसको कहते हैं, टॉर्पीडो कहते हैं. तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो क्या हो गया, सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस. ओके, तो आपको ध्यान देना चाहिए, एलिफेंट, व्हेल, फ्लाइंग फॉक्स, बैट, ये सारे मेमल्स हैं, मेमल्स हमेशा विविपेरस होते हैं, एक्सेप्शन कौन है, प्लेटिपस. तो प्लेटिपस इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि प्लेटिपस ओविपेरस होता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन. ठीक है, माउथ वेंट्रल गिल विदाउट ऑपरकुलम, स्कीन विद प्लेकॉइड स्कॉल, परसिस्टेंट नोटोकोड, कॉन्ड्रिकसिस. तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन बिल्कुल विदाउट ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि अगर साइक्लोस्टोमेट्स में देखें, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जो अब्सेंट, इंटेग्यूमेंट, विदाउट स्केल, पेयर्ड एपेंडिक्स, इसमें आपको एक्सेप्शन मिल सकता है. एविज वाले कंटेंट में आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, मेमल्स में भी एक्सेप्शन मिल सकता है, क्योंकि किसी के अंदर पिन्नी हर किसी में रहे ये कोई जरूरी नहीं है, तो आपको इसमें एक्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन कॉन्ड्रिकसिस में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए. क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन पहले नीट के पेपर में आ भी चुके हैं, इनमें से काफी क्वेश्चन नीट के पेपर में से पूछे गए हैं पहले के सेशन में. चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं. अ जॉलाइज फिश विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हूज अमोसीट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन इज. ओब्वियसली इसका आंसर जो है वो पेट्रोमाइजोन है ना, बाकी मैक्सिन है, नियोमैक्सिन है, इटेज टेरिस है, ये सारे जो है हैगफिश कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनमें नहीं होता है. एमोसीट लार्वा जो है वो पेट्रोमाइजोन के अंदर प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मेमल्स आर विविपेरस. नो, ऑल मेमल्स विविपेरस नहीं होते, तो ये करेक्ट नहीं है. ऑल साइक्लोस्टोमेट डोनेट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स. बिल्कुल, क्योंकि जॉलेस फिश कहते हैं, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेंबर्ड हार्ट. नो, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, 4 चेंबर होते हैं. ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम. नहीं, किसी किसी फिश में जैसे चिमारा वगैरह फिश वगैरह है, तो उनके अंदर ऑपरकुलम नहीं रहता है. बी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट.
क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्स, दैट याद रखना पड़ेगा आपको. ऑप्शन बी पेरिस्टो डेक्टाइला, फोर्स का ऑर्डर है. क्वेश्चन नंबर नाइन, एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट हैवी कॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, यानी कि वह करेक्टर जो हैवी कॉर्डेट में भी होता है और कॉर्डेट में भी होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पेरिंग्स विद गिल स्लिप, क्योंकि अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हैवी कॉर्डेटा में हो सकता है लेकिन कॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वो आपको पता है डिफरेंस रहता है वेंट्रल और डोर्सल का. राइट आंसर जो है वो सी है. क्वेश्चन नंबर टेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड एनिमल, बर्ड एंड मेमल सॉरी, जो बर्ड और मेमल शेयर नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो वीवीपीआरएस होगा, क्योंकि वीवीपीआरएस केवल किसमें मिलता है, मेमल्स में मिलता है. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, विच अमॉन्ग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मेमल, दैट आपको याद रखना पड़ेगा, वेल, डॉल्फिन और सील. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ द एनिमल कैरेक्टराइज ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड, तो क्रॉप एंड गिजार्ड आपको पता होना चाहिए, एवीज के अंदर रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्म, ओके, तो मैक्रोपस, कैमिलस, पिस्टिकुला एवीज में आता है, ये मेमल्स है, ये मेमल्स है, तो चिलोन जो है वो मेमल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है केवल बर्ड्स और मेमल्स ही होमियोथर्म होते हैं, बाकी जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फाउंड इन ऑल कॉर्डेट एक्सेप्ट, तो सारे कॉर्डेट्स में मिलते हैं, ट्यूनिकोट्स में, सिफेलोपोर्ट्स में, साइक्लोस्टोमेट्स में, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में नहीं मिलता, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 15, द ओनली प्रोटोकॉर्ड विद ऑल बेसिक कॉर्डेट करेक्टर इज, ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर प्रोटोकॉर्डेटा, बेसिक कॉर्डेट, तो सब इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा, क्योंकि लेंसलेट, ब्रेंचियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, ये सारे के सारे प्रोटोकॉर्ड्स में आते हैं, और द ओनली प्रोटोकॉल विद द ऑल बेसिक कॉर्डेट, उनमें कॉर्डेट के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डू नॉट अकर इन एडल्ट एम्फीबियंस ड्यू टू, राइट आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है, इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिट. टेरेस्ट्रियल हैबिट है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डू नॉट अकर इन एडल्ट एम्फीबियंस ड्यू टू, तो उसका कारण है इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिट, क्योंकि लेटरल लाइन हमेशा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन करेक्टरिस्टिक रहती है. क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्टर विच इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स इन द फ्लाइंग बर्ड इज, द राइट आंसर इज द ऑप्शन सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कैरिना. राइट ऑप्शन कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ कैरिना. क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द सिम्टम इज लाइकली टू अपीयर इन द पेशेंट विच सफर फ्रॉम स्नेक बाइट, कोबरा, तो एस्फिक्सिएशन भी होता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होता है, दोनों होता है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है उसमें, तो दोनों आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन जो है फोर्थ वो राइट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट, कॉर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, ऑब्वियसली इसका आंसर सी स्क्वेट हो गया, है ना, क्योंकि ये विच इज द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट, ये कॉर्डेट है लेकिन इसको वर्टिब्रेटा में नहीं लिया जाता, बाकी सारे पीसीज से और आगे वाली जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सी स्क्विड, सी काउ, सी माउस, तो ये अलग अलग है, लेकिन सी स्क्विड जो होता है वो आपका उससे बिलोंग नहीं करता है, ये प्रोटोकॉर्डेट से, प्रोटोकॉर्डेटा से बिलोंग कर सकता है लेकिन वर्टिब्रेटा से बिलोंग नहीं करता. स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज नॉन एज हर्पेटोलॉजी कहते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉलिकेंट, कॉलिकेंट को लॉबफिन्स भी कहते हैं, क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर भी ये क्वेश्चन है और एनिमल किंगडम में भी पूछा जा सकता है. लॉबफिन्स कहते हैं इट इज लिविंग फॉसिल्स, एक फॉसिल्स है विच वॉज टेकन ऑफ फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 21/12/1938 बाय सम फिशरमैन, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. सेकेंड नेम लैटिबेरिया चेलमिनी आफ्टर द डिस्कवर्ड एंड लोकेलिटी, ये भी बिल्कुल राइट है. ग्रुप अंडर क्राइसो पटेरिजी फ्लैसी लॉब फिन्स, तो ये भी बिल्कुल राइट है.
राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंट एडेप्टेशन इन बर्ड, यानी ऐसा कौन सा करेक्टर है जो उड़ने के लिए सहायक नहीं है, उड़ने के लिए फ्लाइंग कैटेगरी के लिए वो मतलब हेल्पफुल नहीं करता है। तो न्यूमेटिक बोन करता है, एट्रोपाइड राइट ओवेरियन ओवेडेट करता है, स्टर्नम विद कील करता है, क्रॉप एंड गिजार्ड नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर। क्वेश्चन नंबर 23 लेते, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, नहीं कह सकते, रॉन्ग है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बिल्कुल कह सकते हैं, वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट होते ही। और ऑप्शन थर्ड भी, ऑल एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो। हीमोसील एंड सीडोसील आर टाइप ऑफ यूसिलोम, नो, यूसिलोम नहीं कह सकते उसको। राइट आंसर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका सेकेंड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24, द विशबोन ऑफ बर्ड इज फॉर्म बाय, तो विशबोन जो बनती है वो फ्यूजन ऑफ कॉलर बोन से बनती है, ये ध्यान रखना है आपको। कॉलर बोन के फ्यूज होने से विशबोन बनती है बर्ड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो सेकेंड है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द फोर फीटल मेम्ब्रेन एंड इज एमोनाइट, एमोनाइट यानी एमनियोटिक मेम्ब्रेन होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स के बाद में आप रेप्टाइल्स की कैटेगरी के बाद में पीसीज को छोड़ के बाकी आगे वाले सारे एमनियोटिक होते हैं। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों राइट है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, फोर। सो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो गया, फोर। सो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन, इसमें वो कॉर्डेटा से डिस्कस किए गए, प्रोटो कॉर्डेट, यूरो कॉर्डेट, सेफेलो कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा, डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे। आप इनको अच्छा लगा है वीडियो तो डेफिनेटली लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड आपके जो है इसका बेनिफिट ले सके। और फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें, आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन भी आपको मिले। सो गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।